स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज आप सभी के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ और ये जो डिस्कशन है आयुर्वेद का सबसे जो महत्वपूर्ण जो विषय है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो भी चीजें बताई जा रही है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसको बताने से पहले कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि दीर्घायु है क्या, या कोई भी मनुष्य है कितने समय तक जिंदा रहता है, या जब से पृथ्वी का सृजन हुआ है, जब से पृथ्वी बनी है, तब से जब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो भी जीवन की उत्पत्ति हुई उसमें जो जीवन था, जैसे जैसे लोगों की उत्पत्ति हुई उनके आयु में कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जैसे कॉमनली कॉमनली आप सामान्य रूप से आप अपने आस पड़ोस में सुन लेते होगे कि फलाने जो है इतने दिन तक जिंदा रहे, कुछ जो लोग हैं इतने कम समय में मर गए, या किसी की जो आयु थी 100 वर्ष से ज्यादा थी, कोई 120 वर्ष तक जिंदा रहा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आयु से जुड़ी हुई है। तो कैसे किसी की आयु ज्यादा हो जाती है, कोई कम समय तक जीता है, या कोई लंबे समय तक जीवित रहता है, तो ये जो सारी चीजें हैं उसको हम आज उसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। और विषय का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको ये बताना है कि आयुर्वेद ने जो दीर्घायु तय की है उसका सही में मायने क्या है, दीर्घायु का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है दीर्घायु का मान, उसी पर डिस्कशन होगा। तो जो भी आयुर्वेद के जो भी स्टूडेंट हो, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, उपचारिका हो, या किसी और स्टैंडर्ड पे अगर आप हो, अगर उससे जुड़े हुए हो, तो वीडियो आपके लिए है। और जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है या सामान्य लोग हैं जो जानना चाहते हैं आयुर्वेद को अच्छी तरह से, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आयु का मान दीर्घायु है क्या? आयुर्वेद के अनुसार सतयुग में जो मनुष्य था उसकी आयुष्य जो थी 400 वर्ष की होती थी। सतयुग में जो आयुष्य था, मतलब कि जो हमारी आयु थी सतयुग में, जो लोग रहते थे उनकी आयु जो थी लगभग 400 वर्ष की होती थी। क्यों? क्योंकि सतयुग का ही मतलब हुआ सत्ययुग, सत्य युग, क्योंकि सत्ययुग में लोग सब सत्यवाची थे, सच बोलने वाले थे, और जो भी चीजें होती थी वो सही से होती थी, लोग ईमानदार होते थे, और पृथ्वी पे जो भी अन्न या जो भी चीजें उपज होती थी वो विपाक, वीर्य और जो गुण हैं उनके वो उसमें रहते थे। लोग यज्ञ याग करते रहते थे, धर्म का पालन करते थे, जो भी धर्म का पालन होता था निष्ठा पूर्वक होता था, कोई भी लोग बेईमानी नहीं करते थे और धोखाधड़ी चीजें नहीं थी। तो ये सारी चीजें जब होते थे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते, सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो अपने आप मनुष्य का जो शरीर है ओजवान हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, और ज्यादा दीर्घायु अपने आप बढ़ने लगती है। जो आयु है वो एक्चुअली जो आपका जो आयु है वो मिल जाता है आपको। तो सतयुग में लोग 400 वर्षों तक जिंदा रहते थे, लेकिन जैसे जैसे युग में कालांतर हुआ, जैसे जैसे युग में परिवर्तन आया, तो आयु भी धीरे धीरे कम हो गई। जैसे कालांतर हुआ, युग में परिवर्तन हुआ, तो उत्तरोत्तर त्रेता युग की बात करें या द्वापर युग की या कलयुग की बात करें, तो जैसे जैसे कालांतर हुआ तो आयु में धीरे धीरे बदलाव होने लगा, और जो दीर्घायु का मान था वो धीरे धीरे बदल गया, मतलब कि आयु धीरे धीरे कम होने लगी। और अब यह आयु कम हो करके जो आयु जो कम हो रही थी वो चतुर्थांश हो गई। जैसे जैसे युग बदला, जैसे जैसे युग बदला मतलब कि सतयुग से जैसे जैसे जो युग बदल रहा है उसके बाद से आयु कैसी हो गई? चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब कि जो हमारी आयु थी वह उसकी 1/4 रह गई है, मतलब कि हमारी आयु प्रत्येक युग में 100 वर्ष कम होती गई। जैसे जैसे अगर बात करें सतयुग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का, तो अगर आयु देखें तो 400 से कम हो गई 300, 300 से 200, अब हम हैं कलयुग में, अब हम हैं कलयुग में, और कलयुग में हमारी आयु है 100 वर्ष। और यह भी आयु जो है जब तक हम सही चीजों का पालन नहीं करते हैं, जो भी चीजें हैं अच्छी चीजों को भोजन में नहीं लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, और जो भी क्रियाएं हैं सत्यवादी नहीं हैं, तो जो भी शरीर में जो भी दिक्कतें होती हैं, अलग अलग तरह की परेशानी आएगी, अलग अलग तरह की समस्या होगी, और दीर्घायु का जो मान है, जो आपकी आयु है वो घट जाएगी, और इससे भी कम आयु तक ही आप जीवित रहोगे।
तो जैसे जैसे युगांतर हुआ, कालांतर हुआ, समय व्यतीत होते गया, तो मनुष्य की आयु घट गई, उसकी चतुर्थांश रह गई, लगभग की 100 वर्ष की आयु हो गई है। और माना यह जाता है कि जो चरक ऋषि थे, चरकानुसार इस युग में जो आयु है लगभग 100 वर्ष तक ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इतनी भी आयु नहीं भोग पाते हैं। तो समझेंगे कि आयुर्वेद में जो दीर्घायु का मान है वो किस हिसाब से निर्धारित किया गया है, दीर्घायु किस हिसाब से निर्धारित हुई है। तो आयु है, इसको बोला जाता है अल्पायु। दूसरी जो आयु है, दूसरी आयु को बोलते हैं मध्य आयु, दूसरा जो है मध्य आयु, तीसरा दीर्घायु और चौथा पूर्ण आयु। तीसरा जो है दीर्घ आयु, दीर्घायु, चौथा पूर्ण आयु। तो जो आयु है उसमें उसको चार भाग में बांटा गया है। पहला जो भाग है अल्पायु, दूसरा मध्य आयु, तीसरा दीर्घायु और चौथा पूर्ण आयु। अगर अल्पायु की बात करेंगे तो अल्पायु का मतलब क्या, जो बहुत ही कम समय तक जीवित रहे उनको हम बोलेंगे कि वो अल्पायु थे, मतलब कि उनकी आयु बहुत कम थी। जैसे कोई भी बच्चा पैदा हुआ और किसी रोग से ग्रसित है और कुछ ही समय तक जीवित रह सका तो उसको हम बोलेंगे अल्पायु है। या अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, विकसित हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रोइंग एज में पहुंच गया, नवजात से वो नौजवान तक हो गया, और उसके बाद से किसी रोग के कारणवश वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो हम कहेंगे उस आयु को मध्य आयु बोला जाएगा। मैं कलयुग के युगांतर के अनुसार बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया है जो एक्चुअली जो सतयुग में जो आयु थी लगभग 400 वर्ष की थी। जैसे जैसे युगांतर हुआ और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया, लोग के जो अनुशासन है या रहन सहन या खान पान में जो परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, उससे आयु में भी अंतर आई है आयुर्वेद के अनुसार। उसी तरह से अगर कलयुग में आयु अगर 100 वर्ष है तो उसके अनुसार बताया जा रहा है। तो अल्पायु बता दिया, अगर नवजात शिशु है और किसी समस्या, किसी बीमारी के कारण अगर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो हम कहेंगे कि उसकी आयु अल्पायु थी। उसी के क्रम में अगर कोई नौजवान है, नवजात से विकसित होकर के नौजवान हो गया, लेकिन किसी कारणवश, किसी बीमारी वश अगर वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है उस एज में पहुंच करके, उस आयु में पहुंच करके, तो उसको हम मध्यायु कहेंगे। उसी तरह से अगर कोई सभी चीजों का सही पालन करता है, दिनचर्या का पालन करता है, ऋतुचर्या का पालन करता है, रातिचर्या का पालन करता है, आयुर्वेद के सभी नियमों अनुसार चलता है, सत्यवाची है और ईमानदार है और यज्ञ याग में विश्वास रखता है, धर्म का पालन करता है, तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो उनको हम कहते हैं दीर्घायु। मतलब कि अगर 100 वर्ष तक जीवित है तो उनकी आयु को हम दीर्घायु बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है जिसको पूर्णायु बोला गया, मतलब कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बीमारी के, अगर सही तरीके से अगर जीवन व्यतीत कोई मनुष्य कर रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है और उसका जो जीवन है उसी तरह से चलते रह रहा है। और एक जो निश्चित आयु है जो कलयुग में जो निर्धारित हुई है, कोई जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष अगर बताया गया तो 100 वर्ष तक मनुष्य को जिंदा ही रहना, 100 वर्ष के बाद तक भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। जैसा कि मैंने बताया, धर्म परायण होना चाहिए, धर्म का पालन करना है, अच्छे व्यवहार में रहना है, सत्यवाची होना है, अच्छी चीजों जो खान पान है, रहन सहन है, वो आपका सही होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप अल्प आयु या मध्य आयु में या जो आपका दीर्घायु है उसको ही प्राप्त करेंगे, आप उससे भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, तो उसको हम पूर्णायु बोलेंगे। मतलब कि 100 वर्ष से अगर अधिक की आयु आप व्यतीत करते हो तो पूर्णायु बोला जाता है। उसी के क्रम में अगर आयुर्वेद में मैं बताऊं कि आयुर्वेद के अनुसार अगर देखे जीवन के लक्षण क्या है, तो दीर्घायु के बाद से जो टॉपिक है वो है जीवन के लक्षण। क्योंकि आयुर्वेद यह पुष्टि करता है कि अगर कुछ जो लक्षण है आपके शरीर में है तो माना यह जाता है कि आप जीवित हैं, या आपके शरीर में आयु के अनुसार जो चीजें हो रही हैं, होनी चाहिए थी, वो सारी चीजें हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं, जीवन के लक्षण को जान लेते हैं। अगर कोई भी मनुष्य विशेष है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में कुछ चीजें हैं जो विशेषताएं हैं, पाई जाती हैं, या हमें अगर देखना है वैद्य या चिकित्सक या जो भी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, अगर जीवन के लक्षण को अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये चीजें अनुमान हो जाएंगी या चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में अगर हमें देखना है कि
वह जीवित है कि नहीं है, तो कुछ चीजें पुष्टि करती हैं कि वो जीवित है। तो उसी के क्रम में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूं कि अगर जीवन के लक्षण देखने हैं तो उसमें 9 चीजें आपको देखनी होती है, 9 जो श्रेणियां हैं उसमें बनाई गए हैं, क्रमवार 9 चीजें आपको बताई जाती हैं। तो सीरीज वाइज सब सबको हम क्रम संख्या के अनुसार क्रमवार पढ़ेंगे कि 9 जो जीवन के लक्षण है वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है प्राण फल की गति। तो जीवन के लक्षण में जो पहला लक्षण है उसको हम बोलेंगे प्राणापन की गति। जैसे कि सभी जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, पूरी तरह से बाध्य है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो हमारे शरीर में प्राण वायु का जब आवागमन होता है, प्राण वायु हमारे शरीर में जाती है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, आयुर्वेद में इसको प्राण बोला गया, प्राण वायु बोला गया। तो प्राण वायु हमारे शरीर में जाता है और दुष्ट वायु बाहर आता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये छोड़ा जाता है और ये शरीर के अंदर जाता है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है तो उसको हम प्राणापन की गति कहते हैं। नॉर्मली जो शरीर में जो आपकी ब्रीदिंग दर होनी चाहिए, श्वास की जो दर है जैसे चल रही है, उसी को प्राणापन गति बोली जाती है। मतलब कि जो मैक्सिमम जो नंबर है प्राणापन की, प्राणापन कैसे होता है, मतलब कि जो प्राणापन है हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, हमारे नासा द्वार द्वारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी को प्राणापन गति बोला जाता है। मतलब कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है चल रही है तो ये प्राणापन गति है और यह सामान्य है। तो मनुष्य में जीवन की पुष्टि होती है, जीवन का पहला लक्षण है। इसके अनुसार श्वास जो दर है 16 से 18 जो है, जो श्वास जो दर है 16 से 18 पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में सांस अंदर बाहर होती है, जो आदान प्रदान है सांस का वो 1 मिनट में 16 से 18 बार तक होता है। उसी तरह से अगर हृदय गति अगर देखें तो 70 से 80 तक ये होती है। नॉर्मल जो दर है, सामान्य जो दर है वो इतना होता है। तो जीवन के लक्षण में जो पहला लक्षण था प्राणापन की गति, तो प्राणापन की गति मैंने बता दिया कि जो सामान्य गति है मनुष्य के शरीर में, श्वसन प्रक्रिया हृदय की गति है, अगर सामान्य सामान्य प्रक्रिया द्वारा चल रही है, सामान्य रूप से चल रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्राणापन की गति और यह जीवन के पहले लक्षण को दर्शाती है। उसको हम बोलेंगे निमेशोन्मेष। निमेशोन्मेष का मतलब ये है कि निमेश और उन्मेष दो चीजों से मिलकर के ये बना है, निमेश और उन्मेष दो चीजों से मिलकर के बना है। निमेश का मतलब पल के बंद होना, निमेश का मतलब पल के बंद होना, और उन्मेष का मतलब पल के खुलना। मतलब जीवन के लक्षण का जो दूसरा जो क्रम है उसमें यह आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है, अगर कोई मनुष्य निमेशोन्मेष की प्रक्रिया कर रहा है तो वह जीवन के दूसरे लक्षण को दर्शाता है और वह जो शरीर है उसमें यह पुष्टि होती है कि वह जीवित है। तो निमेश मतलब पल के बंद होना और उन्मेष का मतलब पल के खुलना। अगर पल के खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, आसपास की चीजें दिख रही हैं, पहचान रहा है मनुष्य, तो जीवन के वह दूसरे लक्षण की पुष्टि उसके द्वारा की जाती है। तीसरे लक्षण को हम कहते हैं जीवन, तीसरा जो लक्षण है उसको कहा जाता है जीवन। यदि कोई भी नवजात है जब जन्म ले लेता है तो वह धीरे धीरे चलता है, उसके शरीर में हलचल होती है, बोलता है, रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, दौड़ता है, गिरता है, ये सारी प्रक्रियाएं उसके शरीर में सामान्य रूप से चलती रहती है, धीरे धीरे उसकी शरीर बढ़ती है, तो वह जीवन के तीसरे लक्षण को दर्शाती है। मतलब कि जीवन का जो तीसरा जो लक्षण है वह है जीवन। तो जीवन का मतलब शरीर में हलचल है, शरीर की प्रक्रियाएं नवजात की चल रही हैं, नवजात जब पैदा हो गया, नवजात जो शिशु है उसके शरीर में सामान्य सी प्रक्रियाएं सारी चल रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वह जीवन के लक्षण में जो तीसरा जो लक्षण है जिसको जीवन बोला गया है उसको वो दर्शाता है। चौथा जो लक्षण है उसको बोलेंगे मनसोगति। मनसोगति तो मनसोगति क्या है? मनसोगति जो जीवन के लक्षण के
जो लक्षण आपको बताया जाए उसमें चौथा जो क्रम है मनसोगति। अगर मनसोगति की बात करेंगे तो मन की गति, मनसोगति का मतलब मन की गति, अगर मन आपका एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है या किसी भी का जो मन है एक जगह से दूसरे जगह तक भ्रमण कर रहा है, मतलब सबको पता है जो मन है हमारा यहाँ पर बैठे बैठे अलग अलग जगहों तक भ्रमण कर लेता है, अलग अलग चीजों के बारे में सोच लेता है, मन चंचल है, मन इधर उधर भटकता है, तो ये जो लालुपता है आपके शरीर में या आपके मन में जो चीजें चल रही हैं तो ये दर्शाता है जीवन के चौथे लक्षण को, मनसोगति को दर्शाता है। वह जो है इंद्रिय यांतर संचार। इंद्रियांतर संचार का मतलब इंद्रियां सही तरीके से कार्य कर रही हैं, जो भी इंद्रियां हैं हमारे सही तरीके से कार्य कर रही हैं तो उसको हम इंद्रियांतर संचार कहेंगे। जैसे कि हमारी जो त्वचा है स्पर्श करने पे किसी चीज को महसूस कर रही है, बता रही है, हमारी त्वचा उस चीजों को पहचान रही है, हमारे चक्षु जो है, हमारी नासा है, हमारी त्वचा है, हमारे जीभ है, हमारा जो कर्ण है, वो सारी चीजें आसपास के माहौल को पूरी तरह से समझ रहे हैं और सभी चीजों के बारे में जान रहे हैं। हमारी इंद्रियांतर जो संचार है उसको ये दर्शाते हैं। तो जो भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में और अपना जो सुचारू रूप से जो कार्य है वो कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे इंद्रियांतर संचार। और यह जीवन के लक्षण में पांचवें जो लक्षण है उसको ये दर्शा रहे हैं। छठवां लक्षण है प्रेरणा, प्रेरणा धारण। प्रेरणा धारण का मतलब ये कि हम ये समझ रहे हो या जो भी व्यक्ति विशेष है जिसके बारे में आपको जो भी जीवन के लक्षण आपको देखने हैं, अगर प्रेरणा धारण अगर बोलेंगे तो उसे पता है क्या चीज उसके लिए हानिकारक है, क्या चीज उसके लिए लाभप्रद है। अगर वह इन सब चीजों को सूझबूझ रहा है, मतलब अपनी हानि को कि किससे हानि होगा, किससे उसे लाभ होगा, ये सारी चीजों को वो सूझबूझ रहा है, समझ रहा है, तो वह जीवन के छठवें लक्षण को दर्शाता है, मतलब कि प्रेरणा धारण को दर्शा रहा है। देशांतर गति, स्वप्ने, स्वप्ने देशांतर गति, स्वप्ने देशांतर गति। तो जीवन के सातवें लक्षण में देखेंगे तो सातवां लक्षण है स्वप्ने देशांतर गति, मतलब यदि कोई भी मनुष्य है सपने में अलग अलग जगहों का भ्रमण कर रहा है, समुद्र हो गया, पहाड़ पे चढ़ रहा है, पहाड़ पे उतर रहा है, अलग अलग जगहों पे घूम रहा है, किसी ऊंची जगह से छलांग लगा रहा है, किसी चीज को देख करके डर जा रहा है, अलग अलग जगहों पे अगर वो जा रहा है सपने में, अलग अलग जगहों का भ्रमण कर रहा है, तो वो भी जीवन के उसके सातवें लक्षण को ये दर्शाता है। और वह जीवन का वह सातवां लक्षण है, जीवन के लक्षण की पूर्ति वो करता है। जीवन के लक्षण के क्रम में जो आठवां जो लक्षण है उसको पंच तत्व ग्रहण बताया गया है। पंच तत्व ग्रहण बताया गया, पंच तत्व ग्रहण इसको समझ लेते हैं। तो पंच तत्व ग्रहण का मतलब कि जो भी सिद्ध योगी हैं वो क्या करते हैं, समाधि में लंबे समय तक रहते हैं और लंबे समय तक समाधि में रहने पर ऐसा प्रतीत होता है, बाहर से जो भी सामान्य मनुष्य अगर सिद्ध योगी को देखे तो लगेगा कि वो मृत हो गए हैं, लेकिन वो उस समाधि में है, उनको सुख दुख और किसी भी बाहरी वातावरण का कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई भी बाहरी वातावरण से कोई चीजें महसूस नहीं होती है, बाहरी वातावरण का महसूस नहीं होता है, उसका स्पर्श या जो भी चीजें हैं धूप बारिश पानी सारी चीजें उन्हें कुछ चीजों का आभास नहीं होता है। तो माना यह जाता है कि वो पंच तत्व ग्रहण कर चुके हैं, मतलब कि उनकी जो इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रियां हैं वो परमात्मा से मिल चुकी हैं और वह जो सुख की प्राप्ति है वो कर रहे हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। तो यह जीवन के लक्षण में आठवें लक्षण को दर्शाती है, लेकिन ये सिद्ध योगी द्वारा किया हुआ है कि सिद्ध योगी अगर योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से मरे हुए शरीर की भांति है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज का कोई आभास नहीं होता है, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं पूरी तरह से परमात्मा से मिल गई हैं जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। तो जीवन के लक्षण में आठवें लक्षण में पंच तत्व ग्रहण को दर्शाया गया है। तो जीवन बोलते हैं जीवित, जीवित मनुष्य का लक्षण बताया गया, जो नौवां है जीवित मनुष्य का लक्षण बताया गया, जिसमें जो लक्षण है हर्ष है, दुख है, सुख है, खुशी है,
आकांक्षाएं हैं, ये सारी चीजें अगर जागृत होती हैं तो ये जीवित मनुष्य के लक्षण में, जीवित मनुष्य के लक्षण को दर्शाती है कि ये भी जीवित मनुष्य का लक्षण है। तो जीवन के लक्षण में, तो जो जीवन के लक्षण थे वो 9 लक्षण हैं, और 9 लक्षण में सारी चीजें मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से बता दी, और जो भी चीजें आपको बताई गई हैं ये आयुर्वेदानुसार हैं। तो दीर्घायु का मान और जीवन के लक्षण, ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था आप सभी को मैंने बता दिया। तो जो भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के हों या उपचारिका हों, आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप रिविजन कीजिए। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके संपर्क में हैं, वो भी आयुर्वेद से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो वीडियो आप उन तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिले और वो भी क्लास को रेगुलर अटेंड कर सकें। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आयुर्वेद से और भी ज़्यादा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो हमें, हमसे जुड़े रहिए, बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। एलोपैथी, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एलोपैथी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं, या अलग अलग टॉपिक या सब्जेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं और अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।